मॉर्निंग जी, कैसे हैं सब? आज जी सुबह सुबह दोनों बहनों को बड़ा प्यार आ रहा है। ये देखिए तो सही, जरा आज ना इसके बाबा चले गए जॉब पे, तो ये नाराज़ हुई हुई थी हुल्दा। फिर सिंथिया ने उठ के इसे मनाया और ये है इनका सुबह का सरप्राइज। फिर मैं अभी इन्हें नाश्ता बना के दे रही हूँ। एक वन बेबी की भी है, बेबी का बग्गा भरा हुआ है, बेबी को बस 2 देनी है। ओके चलो, बाकी खा लो खा लो सिंथिया, आप बग्गे में डाल लो। शाबाश, फिर मैं आपको नाश्ता करा रही हूँ। ये सुबह सुबह सिंथिया रोई नहीं ना इस वजह से, और हुल्दा बहुत नोइया करने लग गई, हुल्दा बहुत नाराज होने लग गई, गंदी बच्ची। अब जी हम करने लगे हैं नाश्ता, बच्चों के लिए बनाया अंडा और ये पराठा, और ये चार मेरा, मैंने सादी रोटी बनाई है अपनी। ये बेगम देखे, इसको पानी इतना पसंद है ना कि पानी एक नवाला लेती है और पानी पी जाती है, इतनी कमज़ोर होती जा रही है। और ले आइए उठा के पानी। ओके, आप दूसरी वाली ले आना, ज़्यादा वाला ले आओ। जी बेडशीट बिछाने दो बेटा, उठो उठ जाओ। एक काम नहीं करने दे रही बेगम, झाड़ू दो तो उसके आगे आगे आती है, मोप लगाओ उसके ऊपर फिरती है। ये टिड्डी को कोई ले ले, गंदी सी टिड्डी हमारी, छोटी सी प्रिंसेस। चल बिछा जा। और बहना देखे कितनी प्यारी मेरे साथ बेडशीट बिछा रही है, ये देखे जरा। ओहो हो, मम्मा सिद की जय मेरी जान। तो उठ जाओ बेबी, सारी खराब हो रही है, आ जाओ। चलो मामा फिर बिछाती हैं, रहने दे मामा। ना ना ना, रख दो रख दो रख दो, बुरी बात होती है, रख दो रख दो ना। जी मुर्गा कहाँ पे बैठा हुआ है, सुकून से हवाओं का ठंडी ठंडी मजा ले रहा है। कितनी हवा चल रही है, एक ये मेरी चूजा लटका हुआ है, एक चूजा ये बैठा हुआ है, ये नानों के घर जा रहा है, ये रोज ही नानों के घर जाता रहता है, इसको कोई काम ही नहीं है। और मुर्गा कितने सुकून से बैठा हुआ है, और आज ये हमें जो काम हो रहा है इसने सुबह का उठाया हुआ, इतना ज़्यादा शोर था ऐसे जैसे जंजला आया हुआ है। घर में बन रहा कुकू के लिए खाना, ये कुकू खड़ा हुआ है और ये चूजे बना रहे हैं इसके लिए खाना। ये देखिए ये खाना बन रहा है, सारी सीढ़ियों में खाना बन रहा है इसके लिए। और चलो कुकू कहता है मैंने नहीं खाना खाना, आप लोग जाओ अंदर, चलो आ जाओ अंदर। बस सब बोटा है, आप बोलो तो इधर देख के बताओ ना किसको बुला रहे हो। मैं सिंथिया के लिए लेने आई हूँ पीस। इधर ये हमारी है छोटी सी सोसाइटी में, लगता है ये बाजार, सब्जी वाले बैठे हुए हैं। ये आंटी ने चूड़ियाँ लगाई हुई हैं, ये पीस लगे हुए हैं बच्चों के। एक ही पीस है, हाँ जे देर से कुछ होगा बाजी में। खिलौने लगे हुए हैं, मुझे लैसी अच्छी लगी है, मैंने ये लैस इतनी अच्छी लैस है, ये इतनी सस्ती लगी हुई है। नहीं 20 के किया नहीं मैंने, इतना प्यारा हुआ हुआ, इतनी हवा चल रही है ना, बारिश नहीं हो रही वैसे बादल बने हुए हैं। आज हम अपनी बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए हैं, साथ में बच्चों की शॉपिंग कर ली है और साथ में सैर हो गई है। बारिश हो रही थी और रुक गई है, अब कितना प्यारा मौसम हो गया है। और आज जी मैं बना रही हूँ भिंडी, हम लोग बाहर बैठे हुए थे चरपाई बिछा के,
ये भिंडी मैंने ब्राउन कर ली है और ये मैंने इसके अंदर डाला है प्याज। प्याज को कर रही हूँ, बन रही है साथ में पुदीने की चटनी। ये देखिए मिर्चें मैंने स्पेशल मंगवाई हैं, बारीक वाली मोटी वाली मिर्चें, जितनी मर्जी डालने तो ना ही टेस्ट आता और ना वो पिसती हैं सही से। ये देखिए इस तरह की आपने मिर्चें लेनी है चटनी के लिए और फिर चटनी बड़ी अच्छी बनेगी। ये प्याज लिया साथ में और लहसुन है, सब कुछ मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको आराम से इसमें डाल के और चलाती हूँ। सिंथिया हुल्दा खेल रही थी, उनके फ्रेंड आए हुए थे, अब थक गई हैं तो बैठी हैं आराम से। लाइट ही नहीं आ रही थी, बारिश हो तो हमारे इधर लाइट इतनी लंबी चली जाती है ना। सारा कुछ मैं डालती हूँ इसके अंदर, लीजिएगा जितनी मर्जी इसके अंदर आसानी आ जाए कि एक मिनट में चटनी बन जाती है, पर जो टेस्ट आपको मेहनत से करके खाने का आता है ना यार, यानी कि दोरी घंटे का दोरी में अच्छी तरह पीस के, हमारी ना दोरी टूट गई है असल में, उसकी वजह से मुझे इसमें बनानी पड़ती है, तो मुझे इसकी चटनी इतनी अच्छी नहीं लगती है। चलें कोई बात नहीं, टेस्ट सही आता पर इसका अपना ही टेस्ट है। तो अब रखती हूँ मैं। खाना वगैरह खा के थी सिंथिया और हुदा, आज इंजॉय कर रही है मूवी, बाहर हो रही है बारिश। हैं जी बाहुबली वाली मूवी, और इन्हें भी बड़ी अच्छी लग रही है, आराम से बैठ के देख रही है फर्स्ट टाइम। और कल मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।